प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस अवसर पर मोदी ने कहा कि वंचितों और आदिवासियों की सेवा करना बिल्कुल अपने परिवार की सेवा करने जैसा है। उन्होंने बीजेपी सरकार द्वारा लिए गए संकल्प की चर्चा की और कहा कि हर गरीब आदिवासी को घर देने का काम, बिजली पानी देने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। वहीं पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर हमला बोला। साथ ही पीएम ने नंदुरबार से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील की। साथियों, वंचितों आदिवासियों की सेवा मेरे लिए परिवार के सदस्य की सेवा जैसी है। कितने ही आदिवासी परिवारों के पास पक्का घर नहीं था। आजादी के 60 साल बाद भी गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया था, हर गरीब को घर, हर आदिवासी को घर, हर आदिवासी के घर में पानी, हर परिवार को पानी की सुविधा। दूर सुदूर जंगलों में भी गांव क्यों न हो, हर गांव में बिजली। साथियों, हमने नंदुरबार के करीब 1.25 लाख गरीबों को हमने पीएम आवास पक्का घर दिया सिर्फ नंदुरबार में। इन दिनों आप चुनाव के लिए जब भी गांव में जाए, मोहल्ले में जाए, और अगर आपके ध्यान में आए कि भाई ये दो परिवार है, उनको अभी गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, ये दो परिवार रह गए हैं, उनको नल से जल नहीं मिला है, अभी 4 परिवार रह गए हैं, वो तो अभी कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, उनको पक्का घर नहीं मिला है, आप उनका नाम पता लिख लीजिए और मुझे भेज दीजिए और मेरी तरफ से उनको गारंटी दे देना कि मोदी आए थे, मोदी ने कहा है तीसरे टर्म में मैं 3 करोड़ और घर बनाने वाला हूं, आपको पक्का घर मिलेगा। एनडीए सरकार ने महाराष्ट्र के 20,000 से अधिक गांवों में हर घर जल पहुंचाया है। मैं शिंदे जी, देवेंद्र जी को बधाई देता हूं, आपने मेरे हाथ मजबूत कर दिए। इसमें नंदुरबार के 111 गांव जो कठिन एरिया था वो भी शामिल है। और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो मोदी को बहुत कुछ करना है और आपके लिए करना है। साथियों, एक तरफ भाजपा के ये प्रयास है और दूसरी तरफ एक कांग्रेस है। कांग्रेस ने आदिवासी भाई बहनों की कभी परवाह नहीं। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ा खतरा रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बीमारी की तरफ उतना ध्यान ही नहीं दिया। ये बीजेपी है जिसने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया है। और मेरी माताएं, बहने, नौजवान, ये जो सिकल सेल एनीमिया के लिए मैं काम कर रहा हूं ना, वो चुनाव के लिए नहीं कर रहा हूं, आने वाली आपकी अनेकों पीढ़ियों के लिए मैं लगा हुआ हूं ताकि उनको वो ऐसी बीमारी ना आए, कोई गरीब कुपोषण का शिकार ना हो, हमने इसकी भी चिंता की। आज नंदुरबार से के 12 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते। आज एक गरीब का बेटा आपका सेवक बन करके प्रधानमंत्री पद से ये जब काम कर रहा है तो एक गरीब विरोधी मानसिकता वाले, शाही परिवार की मानसिकता वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। भाइयों बहनों, 13 मई को कांग्रेस और इंडी अघाड़ी को आपका वोट ही जवाब देगा।
नंदुरबार से हमारी बेटी हिना गावित जी आपकी सुख दुख की साथी है। और आप जानते हैं ना हिना मेरी कितनी मदद करती है। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा ये छोटी बेटी है लेकिन पार्लियामेंट में विपक्ष वालों के छक्के छुड़ा देती है। आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर बहुत बड़ी जीत दिलाइए और मेरा इसके लिए आग्रह है मतदान ज्यादा होना चाहिए। भाई करोगे? पहले मतदान फिर जलपान मंजूर है। राष्ट्र सर्वप्रथम।